राष्ट्र में दलित कहाँ रहेगा? आप दलित को क्यों बांट रहे हैं? इस संविधान ने बांटा है जातियों में। जातियां कितनी आपको मालूम है? बताइए बताइए। सब लोग सुन लीजिए, जातियां ढाई है, नर नारी किन्नर। राम ने क्यों नहीं अग्नि परीक्षा? चंद्र की परीक्षा हुई है। मेरा विवाह भी नहीं हुआ है। विवाह नहीं हुआ तो बहन होगी। बिल्कुल बहन है। साथ में क्यों नहीं लाते? बोले सीता ना, सीता बने, सीता नहीं बने। इस दुनिया में अगर असली मर्द कोई है तो वो है महिला। रामंग लखनंग पूर्व जंग रघुबरंग सीतापति सुंदरंग राजनंग सत्य संदंग दशरथंग तनयंग सहमलंग शांति मूर्ति लोक बिरंग या गच्छंग तुष्टंग नंद दीपरंग। ये पूरा शब्द क्या है? नमस्कार, मैं शिखा सिंह अभी दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। इनको देख सकते हैं, सर पे मुसलमानों जैसा टोपी है, गले में सिखों का, ईसाइयों का, और साथ में भगवा गमछा और पेट पे तिरंगा। और इधर ये कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है, और ये कह रहे हैं, ये जो हिंदू धर्म को सपोर्ट कर रहे हैं, हिंदू धर्म की तरफ से हैं, ये हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा है। पहले हम इनसे बात करेंगे कि कैसे सबका साथ सबका विकास हो रहा है, आप ये बताइए। पहले आपका बहुत हार्दिक स्वागत है। अरे हर घर में है दो ही नाम, दो ही नारा गूंजेगा। दुनिया का बच्चा बच्चा जय जय भारत बोलेगा। दुनिया का बच्चा बच्चा जय जय भारतीय बोलेगा। जय भारत, जय भारतीय। इस सरकार ने सिर्फ और सिर्फ 140 करोड़ भारतीय का, भारत का झंडे का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। ये सरकार कोई एक धर्म विशेष पे काम नहीं करती है, ना हिंदू के पक्ष में, ना मुस्लिम के विपक्ष में काम नहीं करती। ये सरकार जो 140 करोड़ की मुखिया है, प्रमुख है ये केंद्र सरकार, तो ये अपना काम जो है। आपको लग रहा है कि 140 करोड़ जो जनता है, 135 से 40 करोड़ जो जनता है, उसके उसके प्रति काम करे, उसके लिए काम में, उनके सम्मान तो आप उनके सम्मान में काम करिए। आप ये देखिए, नरेगा है, नरेगा मोर्चा है, ये 50 दिन हो चुका है। उधर जवान देखिए आपके पीछे बैठे हुए, उनका भी 50 दिन, हाफ सेंचुरी उन लोगों ने मार लिया है, और इन लोगों ने भी हाफ सेंचुरी मार लिया। अभी तक आपकी सरकार ने सुना नहीं है किसका साथ किसका विकास हो रहा है। ये जितने यहाँ जंतर मंतर में जितने लोग बैठे हुए है, ये अभिव्यक्ति की आजादी है, अपनी अपनी मांग धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हुए है, अपनी अपनी मांग कर रहे हैं। सरकार के संज्ञान में नहीं है। जिस दिन संज्ञान में, कौन सी बात, जिस दिन हम आपको रोकेंगे, आप बताइए कि आप बोल रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा है, वो कैसे आप बोल रहे हैं? देखिए, जैसे अभी भाई साहब ने कहा 140 करोड़ देशवासियों का विकास किया जा रहा है, अभी आपने ही अपने मुख से कहा कि बगल में धरना चल रहा है, धरना लोग दे रहे हैं। मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि सबको साथ जोड़ कर चलने के लिए कोई आज से ही नहीं प्रारंभ हुआ है, ये सदियों से चला आ रहा है। अभी भाई साहब ने कहा भारत का हर बच्चा बच्चा भारत बोलेगा, दुनिया का बच्चा बच्चा भारत बोलेगा, भारत और भारतीय बोलेगा, भारतीय बोलेगा। राम आपने नहीं कहा, राम बोलेगा, जबकि नारा इन्होंने गलत दे दिया। भारत का हर बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा, नारा ये है। और राम क्यों बोलेगा? क्योंकि राम जी के राज्य में किसी को भी किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। तो ये ऐसा नहीं कि केवल आज आठ भारत का हर चुप रही है, जय जय श्री राम बोलेगा, आप बोलेगा भारत का, लेकिन हर भारतीय नहीं बोलेगा। सुनिए, अरे एक सेकंड, एक सेकंड, आपने बोला राम राज में ऐसा होता था वैसा होता था, राम राज में एक दलित का वो हो गया, वध कर दिया, सम्मुख वध आपने सुना होगा, जो पेड़ से उल्टा लटका हुआ था, जिसको किसी ने बोल दिया, कोई ब्राह्मण जाके, अरे कोई कोई जो है दलित जो है वो लग रहा है जाप कर रहा है या तपस्या कर रहा है, इसी वजह से इस राज में ऐसा हुआ, और राम जी आए तलवार से सरकार दिए। उसी राम राज में ये भी हुआ दलितों के साथ। अब मैं आपको एक बात पूछता हूँ, किस ग्रंथ में लिखा हुआ है, किस राक्षस की नाम आपने लिया, कौन से राक्षस का नाम? राक्षस नहीं है वो, वही तो आपको पता नहीं है। किसका नाम आपने? शंभुक, जो दलित था और वो तपस्या कर रहा था पेड़ पे उल्टा लटक के। शंभुक, शंभुक पद आपको पढ़ना चाहिए, आपको मालूम ही नहीं है। ठीक है, मैं शंभुक जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, भगवान प्रभु राम के राज्य में चीटी के ऊपर, एक मिनट भगवान सुनिए, एक मिनट, आपने कहीं लिखा हुआ है क्या शंभुक दलित था? दलित था,
कौन से रामायण में लिखा है, दलित कौन है, दलित आप किसको मानते हैं अभी, दलित कौन है, दलित शब्द उत्पन्न कहां से हुआ, बात से भटकिए मत, आपने बोला राम राज्य में क्या, यूपी में राम राज्य में कोई दलित नहीं था, राम राज्य में वध किसका हुआ, किसका वध हुआ, जिसने जो आताताई थे जिन्होंने जो ऊपर करने का साज किया, आपको मालूम ही नहीं, आपको मालूम है सारी राम राज्य में होता क्या, रावण कौन था, कौन था रावण, आपने शिव का बहुत बड़ा भक्त कर दिया, रावण शिवभक्त था, शिवभक्त के साथ साथ ब्राह्मण का ब्राह्मणों का प्रणेता था रावण, महर्षि पुलस्त का नाती था, विश्वेश्वरा का पुत्र था और महर्षि पुलस्त ब्रह्मा जी के पुत्र थे, सुनिए मेरी बात, रावण का भी वध प्रभु भगवान राम ने किया, पहले ये बताइए कि हिंदू राष्ट्र में दलित कहाँ रहेगा, आप दलित को क्यों बांट रहे हैं, हिंदू राष्ट्र में दलित आपके राम मंदिर में कितना दलित पुजारी है, क्यों दलित, दलित हम हृदय से लगाते हैं, कौन दलित हमसे, कौन से दलित को आप हृदय से, अभी किसी से हमने नहीं, अभी आए दिन तो दलितों की हत्या, दलित का अर्थ जानते हैं आप क्या, क्या होता है दलित का अर्थ, दरिद्र, जो भूख प्यास से तड़प रहा हो, ब्राह्मण नहीं भूख प्यास से तड़प रहा है, क्षत्रिय भूख प्यास से नहीं तड़प रहा है, सिख भूख प्यास से नहीं तड़प रहा है, केवल दलित तड़प रहा है, बातों बातों को मतलब नहीं, कितना राम मंदिर में कितना दलित पुजारी है, व्याकरण पढ़ा है, कितने संत हमारे यहाँ, रविदास की मैं पूजा करता हूँ, रविदास कौन थे, वाल्मीकि को मैंने, संविधान, संविधान को मानते हैं, संविधान को मैं उस संविधान के उस आर्टिकल को बिल्कुल नहीं मानता हूँ जिस आर्टिकल में प्रतिभा का हनन किया गया है, 50 नंबर पाने वाला अध्यापक बनेगा, 90 नंबर पाने वाला अध्यापक नहीं बनेगा, भारत विश्व गुरु बनेगा, आप ही लोगों की वजह से, किसकी वजह से, दलित को आप लोगों ने कभी नहीं किसी का अपमान किया है, लोगों को आप लोगों ने पढ़ने का अधिकार दिया ही नहीं, दलितों का अपमान किया होता तो रैदास की पूजा हम ना करते, दलितों का अपमान किया होता तो वाल्मीकि का सम्मान ना करते, किस दलित की बात आप कर रही है, मैं उस दलित की बात कर रही हूं जिसको आप लोगों ने पढ़ने का अधिकार नहीं, जिसको दलित कह करके बांटा जा रहा है वो दलित गौतम बुद्ध को लेकर के अपना अनुयायी मान रहा है, गौतम बुद्ध के बारे में जानता कौन, गौतम बुद्ध के बारे में मैं आपको बताती हूँ, गौतम बुद्ध ने तो हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म अपनाया, धर्म बौद्ध धर्म की परिभाषा बताइए आप हमको, बौद्ध धर्म में ना ही किसी को, उसमें इंसानियत है, उसमें इंसानियत, हिंदू में इंसानियत नहीं है, आप लोग तलवार की बात करते हैं, आप लोग काट मार की बात, बिल्कुल बहन, तलवार की बात आज से नहीं चली आ रही है, तलवार की बात सदियों से चली आ रही है, वही एक मुस्लिम आक्रांता था जिसने तक्षशिला को ध्वस्त करने का दुस्साहस किया, मुस्लिम ही आक्रांता था जिसने नालंदा को ध्वस्त करने का काम किया, सम्मान करता हूँ एपीजे अब्दुल कलाम को, नतमस्तक होता हूँ, अब्दुल कलाम नहीं वैसे हजारों मुस्लिम है जिन्होंने आजाद करने में भारत में योगदान दिया, उनका सम्मान है, उनका सम्मान है, जो गलत कार्यों को करेगा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तलवार भी चलेगी, धन्ना भी उठेगा, और ये फिर ये हिंदू राष्ट्र जिसमें, और ये राम राज है, राम राज्य में बिल्कुल, राम राज्य में तलवार चलेगा, राम राज्य में धन्ना चला तो तलवार भी वर्तमान में क्यों नहीं चल सकता, राम राज्य में धन्ना नहीं चला रावण को मारने के लिए, रावण के लिए आपके मुख से शब्द नहीं निकल रहा कि एक ब्राह्मण को मार दिया गया, दलित तो कोई शब्द ही नहीं है, ये तो ये जो संविधान लिखा गया इसमें दलित शब्द को उत्पत्ति, दलित शब्द की उत्पत्ति कही गई, केवल दरिद्र, और दरिद्र प्रत्येक जाति में है, प्रत्येक धर्म में है, आपको मालूम है जातियां कितनी हैं, कितनी जातियां, अभी आप किस पद पर हैं, आप इस समय आप एंकर के पद पर हैं ना, ब्राह्मण पद है, अच्छा ये ब्राह्मण पद है, ये बताएंगे आप, मैं दलित हूँ, सुनो कौन, मैं दलित हूँ, मैं तो आपको बहन मान करके अपना आपका स्वागत कर रहा हूँ, ब्राह्मण बनाने वाले हमें कौन होते हैं, मैं अभी आपको क्या पूछा कि आप किस पद पर हैं, आप पद के हिसाब से ब्राह्मण बताएं, नहीं मैं आपको बताने जा रहा हूँ परिभाषा, जो आज जातिवाद को लेकर के समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जातियाँ कितनी आपको मालूम है, बताइए बताइए, सब लोग सुन लीजिए, जातियाँ ढाई है, नर नारी किन्नर, जातियाँ पशु पक्षियों में है, आपने सही बात कहा, इन्होंने बोला नर नारी और किन्नर, वही नारी जिसको मनुस्मृति में उसको ना बैठने का ना पढ़ने का ना उसको बोलने का अधिकार दिया गया, ये ब्राह्मण मनुवादी ने ये किया, किस नारी का अपमान किया गया, सारी नारियों का अपमान किया, मनुस्मृति, मनुस्मृति, मनुस्मृति क्या है, हमारे यहाँ नारी सीता का, माँ सीता का अपमान कभी नहीं, माँ सीता का अपमान हुआ है, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, भारत का पक्षी जिस नारी की आप बात कर रहे हैं, नारी को मनुस्मृति में लज्जित किया गया है, मनुस्मृति बाद में आया है कि राम जी बाद में आए हैं, मैं क्या बोल, राम राज्य में ही एक स्त्री एक अबला की इज्जत को बचाने के लिए जटायुराज गिद्ध जो कीड़ा मकौड़ा खाता है उसने कहा पुत्री चिंता मत करो जब तक जटायुराज, वही राम ने अपनी पत्नी को किसी और धोबी के किसी और प्रजा के कहने पे अपनी पत्नी का बहिष्कार कर, राम ने नहीं किया, पति ने नहीं किया बहिष्कार, राम जब बहिष्कार किए हैं उस समय वो सीता के पति की परीक्षा क्यों लिया गया, अग्नि
ये समाज की लोगों की परिभाषा थी। और अग्नि परीक्षा मेरे राम आपके लिए क्यों नहीं होता, पुरुष के लिए राम ने क्यों नहीं, पुरुष राम ने क्यों नहीं अग्नि परीक्षा दिया, हरिश्चंद्र की विशाल परीक्षा, राम ने क्यों नहीं अग्नि परीक्षा दिया, हरिश्चंद्र की परीक्षा हुई है। माता सीता जब लंका से लौट करके आई है, स्वतः उन्होंने अग्नि परीक्षा दिया है और उन्होंने एक लीलाओं को किया है। आज राम को प्रत्येक व्यक्ति मानता है लेकिन उनके बताए हुए मार्ग पर नहीं चलता। आपके घर में महिला है, बिल्कुल पत्नी है आपकी, क्यों नहीं लाते उनको साथ में, उनको साथ में क्यों नहीं लाते? अब माँ को कहाँ लेकर के मैं आऊँ, पत्नी है तो मेरी पत्नी, मेरा विवाह भी नहीं हुआ है, विवाह नहीं हुआ है तो बहन होगी, बिल्कुल बहन है, साथ में क्यों नहीं लाते बोलने के लिए? वो अपने घर पर है तो मैं उसके घर से जाऊं कि बहन मैं धरना देने चल रहा हूं, तुम चलो। तो क्यों नहीं जाएगी बहन? आप मेरी बहन है, आप है कि नहीं जंतर मंतर की भूमि पर, आप मेरी बहन है, आप है कि नहीं? यहाँ मैंने कभी किसी को अलग नहीं किया, धोबी भी हमारे घर के परिवार के सदस्य थे, हैं। इस संविधान ने बांटा है जातियों में, जी फिर से बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, ये कह रहे संविधान ने बांटा करके इनको चिंतन करिए, इनको पूछिए सीता माँ धरती के अंदर क्यों चली गई, क्यों चली गई? धरती में गई थोड़ी ना है धरती पर, नहीं अब एक मैं सीधा जवाब देता हूँ, एक मिनट, एक बच्ची है ये बात करेगी, इसमें बोलना चाहेगी, नहीं इनको बोल सके वो नहीं, मुझे बता, क्योंकि जो सीता थी, जो असली सीता थी, उन्होंने कुछ भी असली में बियर नहीं किया था, वो धरती के नीचे चली गई थी, और जो क्यों गई थी क्या की उन्हें कुछ, क्या की बोलने दीजिए मुझे, आप बता दो, क्या की उन्हें कुछ भी पेन बियर ना करना पड़े, वो धरती के नीचे चली गई थी, और दूसरी सीता, आदमी जब जन्म लेता है तो मरने के बाद कहाँ जाता है, जहाँ से जिसका जन्म होता है वही व्यक्ति चला जाता है। सीता माँ की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? उनको और तकलीफ ना झेलना पड़े, बस इसीलिए वो जमीन के अंदर चली गई। आपने संविधान के बारे में गलत बोला है, आपने बोला संविधान बांट रहा है, आपने आपको आपने किस दलित शब्द, मेरी बहन जो आपने संविधान बांट रहा है, ये दलित शब्द कहां से उत्पन्न हुआ है? आपको माफी मांगनी पड़ेगी, आपने संविधान का उल्लंघन किया है, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। सुनिए मेरी बात सुनिए, संविधान अगर हमारे समाज को बांटेगा या कोई भी बांटेगा, चाहे आप होंगे चाहे मैं होऊंगा, औरतों को अधिकार देता है संविधान, सबको अपना अपना बात रखने का। आज जो आप यहाँ आगे चिल्ला रहे हैं या कोई भी बोले, वो संविधान की वजह से, आप भी तो संविधान की वजह से बोल रही हैं। तो आप संविधान को गलत कैसे बोल रहे हैं? पहले नहीं बोलती थी क्या? पहले नहीं बोलने का अधिकार सीता ने नहीं बोला है? सीता ने कहाँ बोला है? तीनों लोकों का प्रणेता रावण, जिसके इनको इनको गुरुदेव को जानकारी कम है, बहुत कम है। मैं एक चीज बता देता हूँ, जब 14 साल का, जब श्री राम जी को जब 14 साल का वनवास हुआ था, तो इस बीच जब माँ सीता को जब रावण ने उठा के ले गया था, तो उसी बीच में जो है सीता माँ के ऊपर में जो है आरोप लगाया गया था कि सीता माँ के ऊपर, सीता माता को रावण लेके गया था क्या? सुनिए फिर बहन, मैं खंडन करूंगा, सीता को रावण छू नहीं सकता, सीता माता का नाक काटा गया था, माता अग्निकुंड में, मेरी बात सुनिए, सुन लीजिए। तो जब 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 देखिए, जब सीता माँ, जब सीता माँ को, जब सीता माँ को जो रावण ने लंका जब जब ले गया गया, तो उसी टाइम पे फिर वापस वनवास काट के जब वापस आए, तो उसी में सबको लगा कि सीता माँ वहाँ थी। तो सीता माँ ने बोला कि इतना बड़ा आरोप मेरे ऊपर लगा है, तो है धरती माँ तुम मुझे अपने आगोश में ले लो, ठीक है, तुम मुझे उस टाइम भी सीता माँ के ऊपर जो आरोप लगाया गया था, इसीलिए सीता माँ ने जो है इनको चीजें जानकारी कम है, सीता माँ ने जो है अपने धरती को, अपने धरती को, वो धरती उसी समय फट गई, और धरती माँ जो है, धरती माँ ने, धरती माँ ने, आपसे मैं एक और सवाल करती हूँ, सुनिए एक और आखिरी सवाल बस है, सुर्पनखा का नाक काटा गया था, जिसको आप दलित बोलते हैं धोबी को, उसी धोबी के कहने से मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम ने अपनी पत्नी की परीक्षा ली है, और आप कहते हो ब्राह्मण के कहने से संबुक का वध कर दिया, कभी नहीं, ब्राह्मण कभी भी जो विद्वान है, फिर से मैं बता रहा हूँ, वही मैं बताने जा रहा था, अच्छा ये बताइए सारे ब्राह्मण विद्वान हैं? मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी ब्राह्मण कुल में पैदा लिया वो विद्वान है, फिर मैं वही बात आप बता रहे हैं, ब्राह्मण विद्वान का क्या, विद्वान मतलब क्या होता है? चार जातियां, मैं आपको अभी बता रहा था कुछ देर पहले, ढाई जातियां, नर नारी किन्नर, विद्वान कौन है? एक मिनट बता, विद्वान वहीं पर आ रहा हूँ, मैं वहीं पर आ रहा हूँ, इसीलिए जिससे आपकी पूरी बात मैं बता दूं, जो आप कह रहे हो जानकारी नहीं, केवल संविधान का शो का बात कर रहे हैं, आपका बच्चा जब पैदा होगा पंडित कहलाएगा ना क्या कहलाएगा? क्यों पंडित कहलाएगा, क्यों नहीं कहलाएगा पंडित? पंडित कैसे कहलाएगा? पंडित क्यों कहलाएगा? ब्राह्मण कहलाएगा? बनाऊंगा ये अधिकार जो पंडित कौन होता है, जो पढ़ा लिखा होता है? आप ब्राह्मण के पेट से कोई पैदा, बात कर रही है
वो आपका अगर बच्चा होगा तो वो ब्राह्मण कहलाएगा, पंडित नहीं कहलाएगा। पंडित वो कहलाता है जो पढ़ा लिखा होता है, वो कोई भी हो सकता है, दलित भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो कर तो रहे पूजा, बता तो रहा हूँ, रैदास की पूजा कर रहा हूँ, वाल्मीकि की पूजा कर रहा हूँ, काहे आप बार बार उस चीज को डिस्टर्ब कर रही है। आखिरी सवाल, सूर्पनखा का नाक कटा था वो सही था या गलत था? बिल्कुल गलत। नाक, सूर्पनखा की नाक काटी गई थी क्या? तो जो रामायण में दिखा जा रहा है सब गलत है? रामायण में क्या प्रदर्शित किया यही तो मैं बता रहा हूँ। जैसे भाई साहब ने कहा कि आपको नहीं मालूम, सीता को रावण छू सकता था क्या? सीता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा थी। सीता माता जब ये रचना रची जा रही थी, प्रभु राम ने कहा सीता अब मैं उस आताताई का वध करने के लिए लीला करने चल रहा हूँ, तुम अग्नि में प्रवेश करो। रावण ने सीता माँ की परछाई को, उनकी छाया को लेकर के हो गया था, और ले जाकर के रावण ने रखा कहाँ था? कुल मिला के लड़कियों, महिलाओं का तो यही है कि महिलाएं जो हैं वो कुछ कर नहीं सकती हैं, जो मर्द बोलेंगे वही होगा। रानी लक्ष्मी बाई जैसी, मैं आज मंच से मैं बोलता हूँ, जितने मेरी बहने रानी लक्ष्मी बाई बने, सरोजनी नायडू बने, सीता बने, सीता नहीं बने, राम नहीं चाहिए, सीता जैसा राम नहीं चाहिए, नहीं राम चाहिए, राम राज्य की परिभाषा। आप महिला के बारे में बात कर रहे हैं, सूर्पनखा की नाक कटी वो सही है या गलत है? मुझे एक चीज बता दीजिए गुरुदेव, इस भारत में मतलब इस दुनिया में असली मर्द कौन है? भैया असली मर्द नकली मर्द तो आज तक मैं समझ ही नहीं पाया कौन है। कौन है ये चीज बता दी? मैं बता रहा हूँ पुरुष अधाई जाति है, पुरुष वही है। आप बताइए असली मर्द, आप बताइए असली मर्द कौन है? आप बताइए, मैं बता दूंगा। असली मर्द तो हमें आज तक मालूम नहीं, आप बताइए। इस दुनिया में देखिये देखिये देखिये, मैं एक चीज बताइए गुरुदेव, जवाब नहीं दे सके। इस दुनिया में अगर असली मर्द कोई है तो वो है महिला। महिला जो है वो असली मर्द है। महिला बर्दाश्त भी करेगी, महिला सब कुछ, महिला बर्दाश्त भी करती है, महिला सब कुछ सुनती है, महिला क्या नहीं करती है। तो इस दुनिया में सबसे असली मर्द जो है महिला है। देखिए तो देख सकते हैं कि लगातार, एक मिनट पहले खंडन करता हूँ, एक मिनट दशरथ उसके बाप एक का नाम क्यों ले रहा है? एक मिनट दो मिनट के बारे में जाए, दशरथ का नाम क्यों नहीं ले रहा? दशरथ कौन था? मुख राम का बेटा था कि बाप था? आप भी बताइए ना, आप भी बताए ना। आप तो हमारे आप तो ब्राह्मण है, ज्ञानी है। कि मेरी बात सुन, ब्राह्मण फिर ब्राह्मण पर आ गए तुम। देखो ब्राह्मण नाम मत लेना, ब्राह्मण बाहुराजन क्या क्या बोलता है? सुनो 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 मेरी बात सुनो, सुन लो पहले। राम जी के पिता राजा दशरथ था, उसका कितना का? राम जी का तो दशरथ है ना, दशरथ का माँ का क्या नाम है? किसका? दशरथ का माँ का क्या नाम? दशरथ के माता का नाम महाराज, दशरथ के पिता का नाम अज, और दशरथ की माता का नाम भृगु। तो भृगु राम को गोद में लिया था कि नहीं लिया था? किसने? क्यों नहीं लेगी? उस टाइम था जिंदा? नहीं था। तो फिर आप क्यों बोला कि गोद में लिया था? अभी बोला आपने। सब गलत बोल रहे हैं। गलत का अरे गलत प्रवक्त तुम कर रहे हो यहाँ पे। मैं क्या कर? आपने जो अभी पढ़ा है उसका क्या अर्थ है? रामंग लखनंग पूर्व जंग रघुबरंग सीतापति सुंदरंग राजनंग सत्य संदंग दशरथंग तनयंग सहमलंग शांति मूर्ति लोक बिरंग या गच्छंग दुष्टंग नंद दीपरंग, ये पूरा शब्द क्या है? अब आप समझाओ, आप समझाइए इसको, आप बताइए। अभी आपने बताया कि राम के पिता का नाम मैंने बोला दशरथ, तो आप अभी फिर से फिर बहस कर रहे हैं। एक मिनट, इनको आपने मर्द की बात आई है, मर्द की बात आई है। अरे जाति है तीन, औरत मर्द और हिजड़ा, तीन जाति है, जाती है, ढाई जाती है। ये जाति भेदा भेद कर रहे हैं, जाति है, हिजड़ा को आधे में लिया जाता है, जाति में नहीं, कोई जाति नहीं है हमारे में। अभी तुम भी आ गए, सुनिए सुनिए अभी अभी समर्थन, ये जो अभी आपने बोला है उसका क्या अर्थ है? ये उदाहरण आप नहीं दे पाएगा, बहुत आप बताइए ना, बहुत टाइम लगेगा। बस वही बात है ना, एक मिनट बहन सुनो, बस वही बात है। कहाँ गए भाई साहब? अभी उन्होंने कहा सबसे बड़ा मर्द स्त्री है, सबसे बड़ा मर्द स्त्री है उन्होंने कहा ना। स्त्री क्या कभी पुरुष हो सकता है? स्त्री शक्ति है। यह सत्य है कि स्त्री पुरुष की शक्ति से कई गुना बलवान है, इसीलिए हमारे यहाँ आदि शक्ति की पूजा की जाती है। पता है यही है, आज पता है दिक्कत क्या है? जो ब्राह्मण है वो हमेशा से बोलने में अच्छे रहे हैं, उनके पास जो है बोलने और पढ़ने का अधिकार हमेशा से रहा है, इसलिए ये अपने बातों को परिभाषित अच्छे से कर पाते हैं। लेकिन
लेकिन जो दलित है, जो पिछड़े है, जिनको कभी अधिकार नहीं मिला, वो अपनी बातों को, सही बातों को भी नहीं समझा पाते हैं। क्या बताएं, वाल्मीकि के बारे में बता दिया, पूजन करते हैं रायदास जी के बारे में बता दिया, पूजन करते हैं अंबेडकर के बारे में, स्त्री के बारे में आप अपमान कर रहे हैं, मैं स्त्री को बता रहा हूँ आदि शक्ति की, मैं अंबेडकर के बारे में, अंबेडकर हमारे देश के नागरिक है, मैं सम्मान करता हूँ, अंबेडकर का मैंने कब अपमान किया, आपने बोला, मैं केवल उस आर्टिकल का बहन अपमान कर रहा हूँ कि संविधान होना चाहिए, आपने बोला संविधान बांट रहा है, अच्छा, बिल्कुल बांट रहा है, ठीक है मैडम, एक मिनट रुकिए, एक प्रस्ताव, एक मिनट सुन लीजिए, नाम ज्ञान को किया जाता है, एक मिनट, ये बातें हमेशा चलती रहेंगी, लेकिन आप लोगों की इस पूरी खबर पे क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, धन्यवाद।